किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि अतीत के पल के बारे में अधिक मत सोचो क्योंकि ये आंसू लाता है, और भविष्य के बारे में भी अधिक मत सोचो क्योंकि ये भय लाता है। आज के पल को मुस्कुराहट के साथ जियो क्योंकि ये आनंद लाता है। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदा आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक कहानी की। ये कहानी एक समृद्ध और खुशहाल राज्य की थी। इस राज्य का राजा बड़ा ही धार्मिक था, बड़ा ही प्रजा वत्सल था और बड़े ही साफ दिल का था। बड़ा सेवा भावी और भगवान में अटूट विश्वास रखने वाला था। राजा को किसी चीज की कमी नहीं थी। राज्य के सारे लोग उससे बेहद प्यार करते थे और उसकी आध्यात्मिक शक्तियां भी धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी, और उसकी हर बात को उसकी प्रजा ऐसे मानती थी जैसे कि ईश्वर ने खुद ही आकर उन्हें हुक्म दिया है। राजा जैसा जैसा बूढ़ा हो रहा था, वह एक बात से हमेशा दुखी रहता था, जिसका कारण था उसका कोई भी पुत्र का ना होना। हालांकि राजा की एक पुत्री थी जो बड़ी हो चुकी थी, और उसके विवाह का विचार भी अब राजा करने लगा था। अब राजा अपने बुढ़ापे में संन्यास लेकर प्रभु भक्ति करना चाहता था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी कि राज की बागडोर किसी सौंपी जाए। एक रात इसी चिंता में अपने इष्ट का, अपने भगवान का नाम जपते हुए सो गया। उस रात राजा को सपने में भगवान का साक्षात्कार हुआ और उन्होंने एक ऐसी युक्ति बताई जिससे उन्हें लगा कि आज के बाद उनकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। सवेरे उठते ही राजा ने प्रसन्न मन से एक सभा बुलाई और सभी के सामने ये ऐलान कर दिया कि आज महल के दरवाजे पे जो पहला व्यक्ति आया है उसी से राजकुमारी की शादी कर दी जाएगी और उसे ही राज्य का राजा घोषित कर दिया जाएगा। अब सारे सभासद मंत्री यह सुनकर चौंक गए, लेकिन तभी वहां के सिपाहियों ने एक गरीब फटेहाल व्यक्ति को उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब दरबारी भी हैरान कि राजा ने ऐसा मूर्खतापूर्ण काम क्यों किया, लेकिन राजा ने अपने रात के सपने के बारे में सबको बताया कि कल रात उनका ईश्वर से साक्षात्कार हुआ है और उनके मन के सारे संदेह दूर हो गए हैं। ईश्वर ने यह कहा था कि जो सुबह पहला व्यक्ति तुम्हारे दरवाजे पे आएगा, बस उसी युवक से तुम्हें अपनी पुत्री का विवाह कर देना है। अब उस युवक को, जो उसने बिल्कुल मैले पुराने कपड़े पहने थे, देखकर सभी हैरान हो गए, लेकिन चूंकि राजा ने ऐलान कर दिया था, उसने उस गरीब व्यक्ति के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। कुछ ही दिनों में बूढ़ा राजा अपना सब कुछ त्याग करके प्रभु भक्ति के लिए सन्यासी बनकर जंगलों में चला गया। धीरे धीरे नए राजा ने राज्य का सारा भार संभाल लिया, बड़े अच्छे से शासन करने लगा। लेकिन उसने राजमहल में एक गुप्त कमरा बनवा रखा था, जिसके दरवाजे पर उसने एक बड़ा सा ताला लगा दिया, और उस ताले की चाबी वो हमेशा अपने पास संभाल कर रखता। हर हफ्ते एक दिन राजा उस कमरे का ताला खोलता, आधा एक घंटा उस कमरे में समय बिताता और फिर से ताला लगा देता। उस चाबी को राजा के अलावा कभी किसी को छूने की आज्ञा नहीं थी। यदि कोई उसे छूने की कोशिश भी करता तो राजा गुस्से से भर जाता था। सेनापति, खजांची, सभी मंत्री बड़ी जिज्ञासा के साथ कि उस कमरे में क्या है, वहां क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से यह व्यक्ति वहां जाता है। उनके मन में यह भी लालसा थी कि हो सकता है उस कमरे में कोई ऐसी सिद्धि, कोई ऐसी गुप्त चीज हो जिसकी वजह से यह व्यक्ति आया और अचानक से इसे इतना बड़ा राजपाट मिल गया। जरूर वहां कोई ऐसी गुप्त चीज है जिसके बारे में राजा हम सबको भी नहीं बताना चाहता था, जिसकी वजह से दिन रात वो सभी यही चाहते थे कि किसी तरह उन्हें उस कमरे में झांकने का मौका मिल जाए। सबके दिमाग में बस यही सवाल दिन रात घूमता था कि आखिर खजाने की चाबी खजांची के पास, शस्त्र की चाबी सेनापति के पास, और सारे जरूरी दस्तावेज कमरे की चाबी मंत्री के पास है, तो आखिर राजा ने उस गुप्त कमरे की चाबी अपने पास क्यों लिए फिरते हैं? आखिर उसमें ऐसी क्या कीमती चीज है जो राजा किसी को नहीं बताना चाहते? अब उनकी लाख कोशिशों के बाद भी राजा ने कभी भी उस कमरे में क्या है इसके बारे में नहीं बताया। इन सभी ने जाकर इस बात की खबर रानी के कानों तक पहुंचा दी, तो रानी को भी जिज्ञासा हुई कि ऐसी कौन सी रहस्यमयी बात है जिसे राजा अपनी धर्म पत्नी से भी छुपा रहा है।
रानी ने राजा से उस रहस्य को जानने के लिए हट किया, लेकिन राजा उसकी बात भी नहीं माना। आखिरकार रानी अपने पिता को ढूंढ कर लाती है और उनको उस राजा के सम्मुख पेश करती है और कहती है कि मेरे पिता ने मेरा विवाह तुमसे किया, अब ये जो बात कहेंगे उसके लिए तुम्हें मानना ही पड़ेगा। तब राजा उसे वचन देता है और जब वचन में वो बंध जाता है तब उसका पिता उससे पूछता है कि आखिर उस विशेष कमरे में ऐसा क्या है जिसकी चाबी तुम हर वक्त अपने साथ लिए फिरते हो। तब राजा, रानी, मंत्री और सभी सभासदों को लेकर वो व्यक्ति उस कमरे के पास पहुंचा और पहली बार उसने सबके सामने उस कमरे को खोला। अब सब एक चीज देख के हैरान रह गए क्योंकि उस कमरे में कुछ नहीं था सिवाय एक फटे पुराने कपड़े के जो कि दीवार पर टंगा हुआ था। मंत्री ने फटे कपड़े को अपने हाथ में लेते हुए राजा से कहा, महाराज यहाँ तो इस फटे कपड़े के सिवा कुछ नहीं है। तब राजा ने कहा, यही तो मेरा सब कुछ है। जब जब मुझे किसी वस्तु का घमंड होता है तब मैं अपने आप को इस कपड़े को देखकर समझा देता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ। जब मैं दूसरों से अपने आप को अच्छा समझता हूँ तब मैं आकर इस कमरे में इन फटे कपड़ों को देख लेता हूँ और मुझे याद आ जाता है कि जब मैं इस राज्य में आया था तब मेरे पास क्या था, और बस उसी वक्त मेरा सारा घमंड, मेरी सारा जो अहंकार है वो नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे अपने भूतकाल को, अपने दुख के दिनों को यदि हम याद रखें तो वर्तमान में होने वाली गलतियों से हम बच सकते हैं। समय हमेशा बदलता है, लेकिन याद रखिए कि अगर आज हमारे पास सब कुछ है वो हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए हमेशा नम्र रहिए, हमेशा विनम्र रहिए, हर खुशी में उसको धन्यवाद दीजिए, और यदि दुख आए तो सोचिए आपने शुरुआत कहाँ से की थी, और हमेशा हर दुख में भी इस आस के साथ रहिए कि एक दिन ये समय भी बीत जाएगा, जब दुख नहीं रहा तो सुख भी जरूर आएगा।